देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। तो हम लोग लॉन्च पे आए हुए हैं एक नए फोन के और फोन का नाम ये है पोको एक्स टू। अब पोको जो F1 था जो इससे पहले आया था वो 2018 में आया था। काफ़ी समय के बाद नया फ़ोन आया है पोको की तरफ से एंड देर इज़ अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। लेट्स सी इफ इट लिव्स अप टू द हाइप। ये रहा फ़ोन मेरे पास, डिस्प्ले पे लगा हुआ है इस टाइम पे एंड दिस इज़ एक्चुअली अ 6.67 इंच स्क्रीन। अच्छी खासे साइज़ की स्क्रीन है। आप चिन देखोगे तो काफ़ी मिनिमल सा है। बेजल्स आर प्रीटी लेस बिकॉज यहाँ पे भी आपको कोई नॉच देखने को नहीं मिल रहा है। इन्होंने ड्यूअल इन स्क्रीन कैमराज लगा दिए फॉर सेल्फी कैमराज विच आर राइट हियर। और यहाँ पे अब आपको ऑब्वियसली ऊपर की तरफ भी बेजल्स बहुत कम देखने को मिल रहा है। यूजली पंच होल डिज़ाइन हमने यहाँ देखे। दिस इज नॉट अ पंच होल डिज़ाइन बट इट इज़ सॉर्ट ऑफ क्लोज टू दैट। इन स्क्रीन कैमराज ये लोग इसको कह रहे हैं। फ़ोन जो है इट इज़ फेयरली लाइट, ज़्यादा कोई भारी नहीं है और पीछे इसमें आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। तो 64 मेगापिक्सल एक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल दैट इज द कैमरा सेटअप ऑन द रेयर साइड। फ्लैश जो है उसके नीचे मिल रहा है, डिज़ाइन बाय पोको, 64 MP AI सुपर कैमरा एंड द फ्लैश इज राइट हियर। वर्टिकल सेटअप, कलर इज प्रीटी कूल, रेड वाला इसका वेरिएंट है। आई थिंक दे आर कॉलिंग इट द फीनिक्स रेड और पोको जो है वो गोल्ड में नीचे इम्प्रिंटेड है। फ़ोन के नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो इसमें आपको अपना सिंगल स्पीकर सेटअप मिल रहा है यहाँ पे एंड दे हैव रिटेन्ड द 3.5 mm जैक। सो प्रीटी कूल। बट यहाँ पे अगर आपको देख के लग रहा है इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर बिकॉज फिंगरप्रिंट स्कैनर इन्होंने राइट साइड पे दे दिया है। राइट साइड ये रही, दिस इज एक्चुअली द फिंगरप्रिंट स्कैनर राइट ओवर हियर एंड इट ऑल्टरनेट्स एज अ बटन एज वेल। और उसी के ऊपर ड्यूअल बटन जो हैं वो ऊपर मिल रहे हैं एंड दोज आर अबाउट ऑल द बटन दैट यू हैव ऑन दिस फोन। तो अब चलते हैं फ़ोन की सेटिंग्स में, लेट्स सी व्हाट द फोन इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन। सो इसमें आपको ये हमारे पास जो वेरिएंट है वो 256 GB के स्टोरेज वाला वेरिएंट है एंड यू आर गेटिंग 8 GB ऑफ रैम इन दिस वेरिएंट। पोको X2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 8 GB रैम, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है इसका, इंटरनल स्टोरेज जितनी, एंड्रॉयड वर्जन इसका, यू आर गेटिंग एंड्रॉयड 10 इन दिस। सो दैट इज़ प्रीटी कूल। आई थिंक इस रेंज के फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 10 अब मिल रहा है, दैट्स अ गुड वन। अलॉन्ग विद दैट लेट्स गो बैक, अभी एक क्विक नज़र मारते हैं इसके कैमराज पे। सो दिस इज व्हाट द रेयर कैमराज आर लुकिंग लाइक। और 64 मेगापिक्सल्स अगर आपको एक्सेस करना है टू गेट दैट काइंड ऑफ रेजोल्यूशन तो यू हैव अ डिफरेंट ऑप्शन फॉर दैट। इसी के साथ सेटिंग्स और टाइमर ऑफकोर्स आपको यहाँ मिल रहा है। यू कैन गो इन टू द वीडियोज़, पैनोरामा, नाइट मोड अलग है, प्रो मोड अलग है इसका। फोटोज़ में अगर आप चले जाओ तो इसमें आपके पास अ वाइड एंगल जो ऑप्शन है, दैट्स द 8 MP एट द बैक विच इज़ इन प्ले एज ऑफ नाउ, इट्स प्रीटी वाइड। मैंने वर्टिकल रखा हुआ है एंड आई कैन प्रीटी मच सी द एंटायर रजिस्ट्रेशन डेस्क एट द बैक। और इसको अगर हम 2x पे ले जाएं सो दैट ऑल्सो सीम्स प्रीटी रीसेंट। कलर्स जो है ना वो ये ट्वीक नहीं कर रहा है। यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द कैमराज दैट यू सी इन दिस रेंज ऑफ फोन्स प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है एज फार एज द लेंसेज आर कंसर्न। कलर्स जो हैं वो थोड़े वॉप हो जाते हैं बट दिस इज प्रीटी मच एक्सेसिंग द कलर्स एंड शो केसिंग दैम द वे दे आर। सो दैट इज़ वॉट यू आर गेटिंग विद दिस वन। एक जो दिक्कत मुझे इसमें ज़रूर लगी वो है इसके सेल्फी कैमराज, क्योंकि थोड़े से ऑफ सेंटर हैं जब आप फोटोग्राफ लेते हो। ऑब्वियसली इट्स अ बिट अर्ली टू से दिस बट जब आप फोटोग्राफ लेते हो आप देखोगे आई लुक थोड़ी सी ऑफ है। अब मैं अगर लेंस को देख रहा था तो आई लुक ऐसे जा रही थी और अगर मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो आई लुक थोड़ी सी ऑफ है, लुक स्लाइटली ऑफ सेंटर। बट ठीक है, आई थिंक विद मोर यूज़ विल प्रॉब्ली गेट टू नो हाउ टू बीट दैट। तो ये सब हो रहा है इस फ़ोन में। सबसे एक मेजर जो खासियत है इसकी और ये इन्होंने अपने इन्वाइट में भी बोला था इसके बारे में, 120Hz डिस्प्ले है इसका। सो गेमिंग एक्सपीरियंस विल डेफिनेटली बी वेरी नाइस एंड 730G That is the processor. So Qualcomm Snapdragon 730G is the processor that you're getting with this. Variants isme 3 hai. You're getting 3 variants in this. 6 GB RAM aur 64 GB storage. 6 GB RAM, 128 GB storage aur 8 GB RAM, 256 GB storage jo mere haathon mein is samay pe hai. Phone is pretty light to hold. 4500 mAh ki iski battery hai and 27 watts charger ke saath ye aa raha hai.
कह रहे हैं, दैट्स व्हाट दे क्लेमिंग, 68 मिनट्स के अंदर अंदर इट्स विल, ये जो फ़ोन है आपका 0 to 100% चार्ज हो जाएगा. सो देर इज़ अ लॉट दैट दे आर ऑफरिंग विद दिस फ़ोन. एक जो मैं बात ज़रूर बोलना चाहूँगा वो ये है कि डेढ़ साल के बाद, ऑलमोस्ट आई थिंक लगभग डेढ़ साल के बाद ये फ़ोन आया है. F1 had created a lot of stir. This one is the X2. Realme X2 के आई थिंक कंपेरिजन में ये काफ़ी हद तक आया है. एंड इसकी जो कीमत है वो शुरू हो रही है 15,999 रुपये से. दैट्स वेदर 6GB रैम, 64GB स्टोरेज वेरियंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, और इट विल गो अप टिल 19,999 फॉर द टॉप वेरियंट जो ये. और तीन कलर्स इसमें मिल रहे हैं. ये रेड वाला है जो मैंने अभी इस समय हाथों में पकड़ा हुआ है. दिस आई फाउंड टू बी द मोस्ट वाइब्रेंट. देर इज़ अ मेट्रिक्स पर्पल दैट वी कैन सी राइट हियर. थोड़े फिंगरप्रिंट से ज़रूर पकड़ रहा है पीछे, जैसे आप देख सकते हो काफ़ी लोगों ने पकड़ा था हाथ में, तो ये थोड़ा सा अब साफ करना पड़ेगा इसको. एंड देन यू हैव अ एटलांटिस ब्लू, दैट इज दिस वेरियंट राइट हियर, दिस वेरियंट राइट. सो दीज आर द थ्री वेरियंट्स ऑफ द पोको X2. इसके बाद ऑब्वियसली व्हेन वी गेट आवर हैंड्स ऑन इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी विल टेल यू वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट.